नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ से बच्चे जो है बार बार क्वेश्चन कन्फ्यूज होकर के छोड़ देते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए मैंने यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किया है आपको क्या करना है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है कितना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो फ्रेंड्स इस थे को याद रखना है अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो पहले सात था लेकिन अब क्या हो गया है वर्तमान में मूल अधिकार छः है ठीक है फ्रेंड्स आपको वर्तमान का पूछा जाएगा कि वर्तमान में मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो छः है ठीक है फ्रेंड्स चलिए नीचे कुछ मैंने नोट्स करके रखा है इसे भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स चौविल तो चौवालीसवें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया ठीक है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति को चौवालीसवें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया तो फ्रेंड्स ये भी भी बहुत बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया तो 44 में ठीक है फ्रेंड्स इसे ज़रूर याद रखें चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो यह है अनुच्छेद इक्कीस कॉ ठीक है फ्रेंड्स अनुच्छेद इक्कीस कौ के तहत छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है ठीक है और यह जो संविधान संशोधन हुआ था यह छियासी जो है संविधान संशोधन के तहत हुआ था ठीक है फ्रेंड्स इसे भी याद रखें चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में काम कर यानी कि काम पर नियुक्त तो नहीं किया जा सकता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है यानी कि बाल मजदूरी जो होता है बंधुआ मजदूरी उसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स तो ये जो है अनुच्छेद चौबीस में वर्णित है ठीक है अनुच्छेद चौबीस के तहत जो है उसे निषेध किया गया है अगला है फ्रेंड्स की राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे फ्रेंड्स वो अढ़ाई सौ होंगे यानी कि दो सौ पचास होंगे लेकिन वर्तमान में जो सदस्य है वो है दो सौ पैंतालीस ठीक है राज्यसभा में जो है वर्तमान में सदस्य कितने हैं दो सौ पैंतालीस और अधिकतम जो हो सकते हैं दो सौ पचास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये इसमें जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए इसे याद रखें मैंने जो है सभी एक जगह जो है एकत्रित करके रखा है अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह छः वर्ष तक का होता है ठीक है छः वर्ष का होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या है यानी कि राज्यसभा की जो सदस्यता लेंगे उसके लिए आपको तीस वर्ष कम से कम उस सीमा होना चाहिए उम्र की सीमा आपका तीस वर्ष होना चाहिए ठीक है तभी आप राज्यसभा की सदस्यता ले सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो बारह सदस्य मनो मनोनीत किए जाते हैं ठीक है बारह सदस्य जो है राज्यसभा से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था यानी कि राज्यसभा का जो पहली बार गठन कब हुआ था फ्रेंड्स तो तीन अप्रैल उन्नीस को ठीक है तीन अप्रैल उन्नीस को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था अब आगे है अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था वहाँ पे गठन था फ्रेंड्स यहाँ पे है बैठक तो बैठक हुआ था फ्रेंड्स तेरह मई उन्नीस को और, और गठन हुआ था तीन अप्रैल उन्नीस को ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन बोला जाता है तो राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन बोला जाता है ठीक है संसद का उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे क्वेश्चन आएगा अगला है कि भारत की संसद किससे मिलकर बनती है यानी कि भारत की जो संसद है वो किस किस से मिलकर के बनती है तो ये बनती है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक संसद का निर्माण होता है भारत के जो संसद है उसका निर्माण होता है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर के ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन से कि लोकसभा संसद का कौन सा सदन है तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो निम्न सदन का लाता है और वो जो है राज्यसभा वो उच्च सदन कहलाता है ठीक है लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वहाँ पे मैंने हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड्स राज्यसभा राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 हो सकता था जिसमें से वर्तमान में 245 था यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि अधिकतम यानी यानी कि लोकसभा में क्या है कि अधिकतम सदस्य पाँच हो सकता है ठीक है अधिकतम सदस्य पाँच हो सकता है और वर्तमान में कितने सदस्य हैं 545 है ठीक है लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं 545 ठीक है और वहाँ पे था 245 वर्तमान में ठीक है यानी कि राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 ये फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा ठीक है अपने नोटबुक में जरूर यानी कि कॉपी में जरूर लिखिएगा ठीक है अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो सदस्य लेते हैं या अट्ठाईस राज्य से 530 सदस्य चुने जाते हैं ठीक है 28 राज्य से 530 सदस्य चुने जाते हैं सात के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से तेरह सदस्य चुने जाते हैं ठीक है और आंग्ल भारतीय से दो तो इस तरह से तीनों को मिला करके पाँच सौ पैंतालीस हो जाते हैं ठीक है तो वर्तमान में जो है लोकसभा में जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं पाँच सौ पैंतालीस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है भारत में अब अठारह वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जा गया है यह किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है ठीक है अब जो है भारत में अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद उस व्यक्ति को वयस्क माना जाता है ठीक है यह किस संशोधन के तहत लागू हुआ है तो इकसठ में ठीक है सिक्सटी वन इसका जो तारीख है फ्रेंड्स वो है डेट उन्नीस सौ निवासी ठीक है उन्नीस सौ नवासी अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की तो इसका राइट आंसर स्वराज पार्टी ने उन्नीस सौ चौबीस ईस्वी में प्रस्तुत की ठीक है Tell your friends. फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ठीक है और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है फ्रेंड्स वह छः मैंने जो है आपको ऊपर में ही बताया ठीक है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार छः हैं पहले थे सात लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया चलिए अगला क्वेश्चन है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाने की नीति किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है ये अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाने की नीति ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स करा रहा हूँ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए आपको बहुत सी नई नई जानकारी मिलेगी अगला है भारतीय संविधान में संसद शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन ये भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स तो इसे याद रखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ठीक है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स ये जो है कनाडा देश से लिया गया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो संविधान में संशोधन होती है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ठीक है वहीं का प्रावधान है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंड्स मौलिक अधिकार अगर अधिकार की बात आ जाए तो अमेरिका को टिक करना है फ्रेंड्स ठीक है अमेरिका को टिक करना है अब मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो रूस को करना है फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या ग्यारह है अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है तो मौलिक अधिकार छः है जो कि अमेरिका से लिया गया है ठीक है और मौलिक कर्तव्य की संख्या ग्यारह है अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है रूस से लिया गया है ठीक है फ्रेंड्स चलिए उम्मीद है आपको वीडियो जो है समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये भाग अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो भाग जो है चार को ठीक है भाग चार को अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो इक्यावन को ठीक है इक्यावन को अनुच्छेद इक्यावन को और भाग चार को और ये जो है बयालीसवें संशोधन के तहत हुआ है ठीक है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसे जरूर याद रखें अगर समझ में नहीं

फिर कुल भाग जो है बाईस और कुल अनुसूची जो है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत राजधानी का दर्जा मिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये जो है उनहत्तरवें संशोधन के तहत जो है भारत की राजधानी दिल्ली को जो है यानी कि राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया ठीक है दिल्ली को जो है भारत की राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया उनहत्तरवे संविधान संशोधन के तहत ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है अगर आपको भारत के जो राष्ट्रपति भारत का अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होना चाहिए ठीक है अभी जो फिलहाल भारत के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं और एक कि, कितने नंबर का राष्ट्रपति है तो ये चौदहवें नंबर का है ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बहुत बार पूछ लिया जाता है और अभी जो फिलहाल भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है फ्रेंड्स वो पाँच लाख रुपया मिलता है ठीक है और ये जो जितने भी वेतन उनको मिलते हैं उसमें जो कोई भी आय जो है कर नहीं लगता है यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगता है ठीक है और राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं तो मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है फ्रेंड्स तो किसे सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं तो देखिए फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन में मैंने कितना क्वेश्चन का आंसर बना करके रखा है ठीक है तो ताकि आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना हो तो आपको अगर पूछा जाए राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु तो पैंतीस वर्ष राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है तो पाँच लाख राष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति को त्यागपत्र यानी कि त्याग देना है तो त्यागपत्र किसको देंगे उपराष्ट्रपति को भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है रामनाथ कोविंद कितने नंबर का है तो चौदहवें नंबर का है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद रखना है ठीक है यानी कि आंसर को याद रखना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन से फ्रेंड्स कि भारत के जो उपराष्ट्रपति ये बनने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है तो भारत के भी अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है भारत का तो आपको पैंतीस वर्ष होना चाहिए अभी फिलहाल में वेंकैया नायडू हैं ठीक है भारत के उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं और उन्हें जो है चार लाख जो है प्रति माह मिलता है ठीक है चार लाख रुपया प्रति माह मिलता है वेतन ठीक है hey. और शपथ किसके सामने लेते हैं रा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने ठीक है उपराष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेंगे राष्ट्रपति के सामने अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे ठीक है hey. राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेंगे ठीक है उल्टा हो जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो फ्रेंड्स भारत के अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए अभी फिलहाल में जो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री कौन है वो नरेंद्र मोदी जी हैं कितने नंबर का है तो चौदहवें नंबर का है ठीक है भारत के प्रधानमंत्री मंत्री किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के सामने और त्याग पत्र किसको सौंपेंगे तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे ठीक है फ्रेंड्स ये याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं जितने भी भारत में स्टेट हैं उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करते हैं राष्ट्रपति और भी बहुत से हैं मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब इसमें बताया है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आता है विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे तो ये थे मोरारजी देसाई ठीक है मोरारजी देसाई जो है सर्वाधिक उम्र में जो है प्रधानमंत्री बने थे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है अगर एक वर्ष में आपको फ्रेंड्स संसद की जो बैठक करानी होगी कम से कम दो बार करानी होगी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन से फ्रेंड्स कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसको जो है इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना ठीक है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है प्रेस की स्वतंत्रता कि संविधान किस अनुच्छेद में है ठीक है प्रेस से संबंधित जो है स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद उन्नीस को ठीक है अनुच्छेद उन्नीस को में है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है फ्रेंड्स कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था तो बावनवे संविधान संशोधन के तहत ठीक है चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है क्वेश्चन को किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो लोकसभा अध्यक्ष देगा ठीक है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के लिए जो है अंतिम निर्णय कौन देता है लोकसभा अध्यक्ष देता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस कि संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को बाईसवां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सिक्किम को बाईसवां राज्य का जो दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के तहत तो छत्तीसवें संशोधन के तहत ठीक है छत्तीसवें संविधान संशोधन के तहत भारत को भारत सॉरी सिक्किम को बाईसवां राज्य घोषित किया गया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है तो इसका राइट आंसर होगा सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा करता है फ्रेंड्स वो सातवीं अनुसूची में है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपात की स्थितियों का प्रावधान है यानी कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का जो है आपातकाल लग सकता है तो वो होगा तीन प्रकार का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है अगर संविधान की व्याख्या करना है फ्रेंड्स तो इसका अंतिम अधिकार किसे तो सर्वोच्च न्यायालय को है ठीक है सर्वोच्च न्यायालय को है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि, कि, कि किसी किसी भी राज्य का जो अगर नाम हमको परिवर्तन करना है फ्रेंड्स तो यह अधिकार किसे है यह संसद को है ठीक है संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो इसका राइट आंसर होगा में संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जाता है तो उन्नीस में ठीक है उन्नीस में जो है भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान की, की प्रस्तावना में जोड़ा गया तो यह है बयालीसवें संशोधन के तहत ठीक है बयालीसवें संशोधन के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया संविधान में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद चौदह ठीक है अनुच्छेद चौदह में है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में है अगर राष्ट्रपति को किसी भी चीज़ पर अध्यादेश जारी करना है फ्रेंड्स तो ये अनुच्छेद एक में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स इसे याद रखें तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है फ्रेंड्स अनुच्छेद एक के तहत ठीक है वन टू थ्री चलिए अगला है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति यानी कि मृत्युदंड सहित ठीक है, है? मृत्युदंड सहित किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह मृत्यु को भी मृत्युदंड को भी माफ करवा सकता है तो ये कैसे किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद बहत्तर के तहत ठीक है अनुच्छेद बहत्तर के तहत जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को ठीक है चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि राज्यपाल को क्षमा दौड़ की शक्ति यानी कि मृत्युदंड को छोड़कर ठीक है यानी कि, कि किसी भी किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु मृत्युदंड घोषित कर दिया गया है तो राज्यपाल जो उसे मृत्युदंड देने से बचा नहीं सकता राष्ट्रपति भले बचा सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं बचा सकता है तो वही है कि राज्यपाल को क्षमा दौड़ की शक्ति प्राप्त है लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर ये किस अनुच्छेद के तहत है इसका राइट आंसर अनुच्छेद एक के तहत ठीक है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में यानी कि क्वेश्चन समझ में आई होगी अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है अगला है फ्रेंड्स संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख है तो भाग बीस में है ठीक है भाग बीस में अगर इससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछा जाए फ्रेंड्स तो अनुच्छेद तीन के तहत ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 में संविधान सॉरी सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 के किस अधिवेशन में गाया गया था तो इसका राइट आंसर है कोलकाता अधिवेशन में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था तो राष्ट्रीय गीत को गाया था गाया गया था अठारह सौ छियानवे ईस्वी में ठीक है फ्रेंड्स अठारह सौ छियानवे ईस्वी में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को ठीक है चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पहले नोटिस देना होता है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको चौदह दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अगर फ्रेंड्स राष्ट्रपति जी का निर्वाचन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत तो चो, अनुच्छेद चौवन के तहत ठीक है अनुच्छेद चौवन के तहत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यानी कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति जी का नियुक्ति होता है अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कार वितरण किया जाता है ये जो भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण ठीक है पद्मश्री ये जो पुरस्कार वितरित किया जाता है फ्रेंड्स वो किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद अठारह के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये बार बार पूछा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अगला है आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितने माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है तो इसका राइट आंसर का एक माह ठीक है एक बार फिर से समझते हैं फ्रेंड्स कि आपातकाल आप की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितने माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है तो इसका राइट आंसर का एक माह ठीक है फ्रेंड्स एक माह तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जो भी संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं एकजुट करूँगा अगर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं जल्दी ही कवर करूँगा उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स एक लाइक तो जरूर बनता है जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सी जानकारी नई नई मिलती रहेगी एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस मिलते जाएंगे चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Goodbye.